नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। खबर मंदसौर से, जहां पर आफत की बारिश का दौर लगातार जारी है और बारिश के कारण कई गांव पहले ही तबाह हो चुके हैं और अब कई गांवों पर और खतरा मंडरा रहा है। पिछले दो दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते एक बार फिर गांधी सागर के 5 छोटे और 1 बड़े गेट को खोलना पड़ा है। रात से बारिश तेज़ हो रही है और लगभग 1 इंच बारिश हुई है पिछले 24 घंटे में, और सुबह से भी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है ज़िले के विभिन्न इलाकों में। अपस्ट्रीम में भी बारिश हो रही है जिसके कारण सिवना के जलस्तर में भी काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है और गांधी सागर के कैचमेंट एरिया में भी बारिश हो रही है। तो अभी सुबह सुबह 5 छोटे गेट और 1 बड़ा गेट खोला गया था, अभी 2 गेट और बड़े खोले गए हैं। लगभग 1.25 लाख क्यूसेक्स पानी आ रहा है वहाँ और 1.5 लाख क्यूसेक्स के आसपास पानी रिलीज किया जा रहा है। वर्तमान में पानी थमा हुआ है, पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में है और हम लोग पूरे ज़िले में जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो कर रहे हैं। निचली बस्तियों का भी फिलहाल क्या हाल है? निचली बस्तियों में पानी भरने की? अभी निचली बस्तियों में कोई पानी भरने की सूचना नहीं आई है, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर जहाँ जहाँ भी पानी भरता है वहाँ पर पंप चालू करा दिए गए हैं और जो आवश्यक सेवाएं शुरू करनी चाहिए उसके लिए नगर पालिका और तहसील और पुलिस की टीम लगी हुई है और हम पूरी तरीके से जो कार्रवाई करनी चाहिए वो ताबड़तोड़ कर रहे हैं। अगर स्थिति अगर नियंत्रण में आए, स्पेशल फोर्स का भी है पूरा? हमारे पास पूरे संसाधन हैं और किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार। सर, अभी क्या अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग ने? अभी आने वाले 1-2 दिनों तक बारिश होने की संभावना बताई गई है और प्रदेश के 4 जिलों में तेज़ बारिश होने की संभावना है, उसमें मंदसौर भी है।